बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाले हैं। आपके पास अक्सर इंटरव्यूज में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट आपके पास है, वहाँ पे हम जब उसको टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मीन को, यानी वहाँ पे हम टेस्ट करते हैं मीन को, ठीक है ना। लेकिन जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, वहाँ पे आपके साथ मीडियन को टेस्ट किया जाता है। यूजुअली आप देखें तो आपके पास जितने भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो बेस करते हैं मीडियन पे, यानी वहाँ पे हम मीडियन को टेस्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, नॉन पैरामेट्रिक में आप मीन को क्यों नहीं कर सकते हो, तो ये क्या वजह है? तो स्टूडेंट्स, इसकी रीजन जो है ना वो ये है कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट है, इसके हमारे पास जितने भी पैरामेट्रिक टेस्ट हम यूज करते हैं उनकी सबसे बड़ी अजम्पशन क्या होती है कि आपके पास नॉर्मेलिटी की जो अजम्पशन है वो सबसे बड़ी अजम्पशन है पैरामेट्रिक टेस्ट की, यानी वो मस्ट फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। यानी जो पैरामेट्रिक टेस्ट है ये आपके पास बेस करता है रेंडमनेस पे, नॉर्मेलिटी अजम्पशन पे, ठीक है। जब यहाँ पे हम ये बात कर लेते हैं कि आपके पास पैरामेट्रिक टेस्ट जितने भी है वो तमाम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जब वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हमें पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे एक खूबसूरत प्रॉपर्टी के मीन, मीडियन एंड मोड, ये सारे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो वहां पे आप मीडियन को टेस्ट करें या मीन को टेस्ट करें, ये जो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि हम मीन को यूजली टेस्ट करते हैं, ठीक है। मीन को क्यों करते हैं, क्योंकि मीन भी मीडियन के ही इक्वल होता है, तो हम जो है तो मीन ही टेस्ट करते हैं। बट इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम मीडियन यूज करते हैं। मीडियन क्यों टेस्ट करते हैं, मीडियन टेस्ट करने की वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है इसमें आपके पास जो नॉर्मेलिटी की अजम्पशन है वो वायलेट कर जाती है, यानी वहां पे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना, वहां पे तो चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, सो हम जो है तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट वहां पे कोई भी टेस्ट नहीं करता, ठीक है। तो जब वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मीन भी चेंज, आपका मीडियन भी डिफरेंट है, ठीक है। तो जब ये तीनों आपके पास डिफरेंट हुए तो हम जो है तो आउटलायर से बचने के लिए फिर इनमें से किस को चूज करते हैं, हम मीडियन को चूज करते हैं, बिकॉज मीडियन इज फ्लेक्सिबल, बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द आउटलायर। सो आउटलायर की इफेक्ट से बचने के लिए मीन की बजाय हम क्या यूज करते हैं, हम मीडियन यूज करते हैं, ठीक है। यानी नॉन पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जितने आपके पास है वहां पे हम मीडियन इसलिए टेस्ट करते हैं क्योंकि हम जो है तो आउटलायर की इफेक्ट से बचने के लिए हम मीडियन को टेस्ट करते हैं, ठीक है। जबकि पैरामेट्रिक टेस्ट में हम मीन टेस्ट करते हैं, वहां पे मीडियन नहीं करते। वजह क्या है, वजह ये है कि पैरामेट्रिक जो है वो बेस करता है नॉर्मेलिटी के अजम्पशन पे, ठीक है। तो जब वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वहां पे हम मीन करें या मीडियन, एक ही बात है, क्योंकि मीन और मीडियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, वहां पे वो सेम ही होते हैं। सो दिस इज द मेन रीजन why we test the mean in parametric test and why we test the median in non-parametric test. So I hope आप लोगों को ये जो reason है वो clear हो गया होगा, और इंशाल्लाह अगर आपसे कोई भी कहीं पे भी ये question पूछे तो आप easily उन्हें explain करके बता सकेंगे। So next video तक के लिए अल्लाह हाफिज़।